हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मैं सबसे आसान तरीके में आप लोगों के लिए वीडियो बना के लीवरों को समझाता हूं, लेकिन आप एक गलती करते हैं, वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में सबसे आसान तरीके में लीवरों को समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में आएगा मज़ा। और अब मैं आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके में बूम चलाना सिखाऊंगा। देखिए, ये हमारी चाबी लग गई और एक बार चाबी घुमाने से देखिए जो हमारी डिस्प्ले है ये ऑन हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक लीवर चार जगह काम करता है और दोनों लीवर मिला के आठ जगह काम करते हैं। और जो ये लीवर है ये देखिए प्लस में काम करते हैं, मशीन के ये दोनों लीवर प्लस में काम करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। जो ये लीवर है राइट हाथ पे, सीधा हाथ का लीवर है, जो इससे देखिए हम ऊपर की साइड करेंगे तो हमारी जो बूम है, देखिए बूम ये होता है, ये बूम, इस ये बूम है जो ऊपर की साइड आएगा। अगर हम इसी लीवर को नीचे की साइड करेंगे तो हमारा जो बूम है ये डाउन जाएगा। समझ गए आप? ऊपर करने से बूम क्या होगा, ऊपर आएगा, और नीचे करने से क्या होगा, बूम है जो वो नीचे जाएगा। इस लीवर को ऊपर करने से बूम ऊपर आएगा और नीचे करने से नीचे जाएगा। समझ गए ये? और ध्यान से समझना। अब दूसरी साइड क्या होगा इससे, देखिए अब मैं इसको इधर की साइड करता हूँ, लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, देखिए जो वो बकेट है वो बंद हो जाएगा। अब फिलहाल वो खुला हुआ है तो इस तरफ करने से बकेट है जो वो हमारा बंद हो जाएगा इस हिसाब से। अच्छा, अब मैं इस लीवर को राइट साइड करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा जो बकेट है ऐसे बंद हो जाए, बंद हुआ है तो ऐसे खुल जाएगा। समझ गए आप? इस लीवर से क्या होगा, हमारा बकेट है जो वो खुल जाएगा। समझ गए? इस लीवर को ऊपर करने से बूम ऊपर आएगा, नीचे करने से बूम डाउन जाएगा, इधर करने से हमारा जो बकेट है खुल जाएगा, इस साइड करने से बकेट है जो बंद हो जाएगा। चलिए अब मैं इस लीवर की जानकारी दे देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए जो ये लीवर है इसको हम ऊपर करते हैं तो हमारी जो स्टिक है जिसमें बकेट लगा हुआ है उसको स्टिक बोलते हैं, डिप्पर भी बोलते हैं, जैसा आप समझना उस हिसाब से समझ जाना। देखिए इस लीवर को हम ऊपर करते हैं जो लेफ्ट हाथ पे है, तो इससे क्या होता है, ऊपर करने से हमारी स्टिक है जो वो बंद हो जाती है। समझ गए? और नीचे करने से क्या होगा, हमारी स्टिक है जो खुल जाती है। देखिए अब फिलहाल बकेट भी और स्टिक भी दोनों खुले हुए हैं और बूम है वो सारा डाउन है। अच्छा, और देखिए दोस्तों अगर हम इस लीवर को इस साइड कर अगर हम इस लीवर को इस साइड करते हैं तो देखिए हमारी जो मशीन है वो राइट साइड स्विंग करेगी पूरी मशीन, सिर्फ चैनों को छोड़कर हमारा बूम, बकेट, डिपर, स्टिक सब चीज़ घूमेगी इससे, क्योंकि सिर्फ चैन को छोड़ के, चैन से जो ऊपर का हिस्सा सारा घूमेगा राइट साइड करने से, राइट साइड स्विंग इधर घूमेगी। अच्छा, हम इसको हम बाहर की तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं इस लीवर को, तो हमारी स्विंग है जो मशीन है वो लेफ्ट साइड घूमेगी। समझ गए? कितनी आसान तरीके में समझाया मैंने आप लोगों के लिए। देखिए इधर करने से स्विंग इस साइड घूमेगी और इधर करने से इस साइड घूमेगी, इसमें स्विंग का सिस्टम लेफ्ट राइट, ठीक है, इधर राइट और इधर लेफ्ट, और इस ऊपर करने से स्टिक बंद होती है, नीचे करने से खुल जाती है। चलिए अब मैंने ये समझा दिया। देखिए अगर हमारी मशीन स्टार्ट है तो देखिए हम इसको नीचे करते हैं तो हमारा जो हाइड्रोलिक है वो काम करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर है वो काम करेगा। अगर ये ऊपर रहता है, हमारी मशीन स्टार्ट रहती है, तो हमारा देखिए बूम, बकेट जो भी है, जो लीवर का सिस्टम है, ये कोई काम नहीं करेगा, हमारी मशीन जैसे स्टार्ट हो जाती है। चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए अब हो चुकी है हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना, देखिए अभी ये लॉक है जो ऊपर है, हम लीवर को हाथ लगा रहे हैं, देखिए कुछ भी नहीं हिल रहा। जैसे हम इस लॉक को नीचे की साइड करेंगे, कर दिया लॉक नीचे, तो हमारे देखिए हम लीवर को हाथ लगाएंगे तो हमारा देखिए बूम, बकेट सब काम करेगा, देखिए ये करने लग गया। समझ गए आप? चलिए अब मैं मशीन स्टार्ट हो गई है और स्टार्ट करने के बाद मैं एक मिनट बाद एक्सलेटर दें ताकि इंजन है जो वो गर्म हो सके। ये इसमें एक्सलेटर है, ये फुल, अब फुल है, हाई है और बीच में मीडियम और यहाँ लो, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको मीडियम देता हूँ एक्सलेटर को। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए फिर बूम के लीवर को समझाता हूँ, बूम बकेट वाले को। देखिए अगर हम इस लीवर को ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए हमारा जो बूम है ये ऊपर आ रहा, देखिए सारा बूम, समझ गए, स्टिक काम नहीं कर रही इससे, बकेट काम नहीं कर रहा, सिर्फ बूम। अगर हम इस लीवर को नीचे की साइड करते हैं तो देखिए अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो देखिए नीचे जा रहा, देखिए स्टिक भी नीचे जा रही है, बकेट भी नीचे जा रहा, सब नीचे जाएगा क्योंकि बूम में ही लगे हुए हैं ये, ठीक है दोस्तों।
ऊपर करने से क्या है, ऊपर, और नीचे करने से नीचे। अच्छा अब मैं देखिए, अब मैं बकेट को बंद कर रहा हूँ, देखिए इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड बकेट को देखिए, लीवर को लेफ्ट साइड कर रहा हूँ और ये देखिए बकेट बंद हो गया लेफ्ट साइड करने से। अच्छा अब राइट साइड करता हूँ लीवर को और देखिए राइट साइड करने से देखिए क्या है, बकेट है वो खुल जाता है, समझ गए। लेफ्ट साइड करने से बकेट है जो वो बंद हो जाता है, राइट साइड करने से खुल जाता है, इस लीवर से, सीधे हाथ के लीवर से, राइट हाथ के लीवर से। अच्छा अब मैं इसको समझा देता हूँ, देखिए जो इस हाथ पे लीवर है, देखिए दोस्तों उल्टे हाथ पे लीवर है, जो लेफ्ट हाथ पे लीवर है, इसको समझा देता हूँ अब मैं आप लोगों के लिए। देखिए अगर हम इस लीवर को ऊपर की साइड करते हैं तो देखिए जो हमारे स्टिक है वो बंद होते हैं, देखिए बंद होने लग गई, बंद हो गई। अच्छा क्योंकि बकेट टिक गया, और ज़्यादा बंद हो जाती है अगर बकेट नहीं टिकता था, क्योंकि हमको बूम उठाना पड़ेगा। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको बूम उठा के, देखिए ये हमारा हो चुका है बूम ऊपर। अब देखिए इस लीवर को ऊपर करने से, देखिए ऊपर करने से स्टिक है जो वो हमारी बंद हो जाती है, देखिए ये हो गई ना स्टिक बंद। अच्छा इसको हम नीचे की साइड करेंगे, इस लीवर को जो उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट हाथ पे है, तो देखिए नीचे करने से क्या होता है, देखिए हमारी जो स्टिक है वो पूरी खुल जाएगी, देखिए खुल गई, समझ गए आप। अच्छा अब देखिए, अब मेन पॉइंट है यहाँ मशीन घुमाने के लिए, सारी मशीन घुमाएगी, स्टिक, बूम, डिपर, बकेट सब घूमेगा, देखिए सिर्फ चैनों को छोड़ के। अगर हम इस लीवर को इधर करते हैं तो देखिए हमारी जो मशीन है लेफ्ट साइड करते हैं, देख अरे सॉरी अगर हम राइट साइड करते हैं तो इस लीवर को देखिए हमारी मशीन है उधर घूमेगी, देखिए गाड़ी की तरफ जा रही है राइट साइड, आप समझ गए। इस लीवर को राइट साइड करने से मशीन राइट साइड घूमेगी, अगर हम इस लीवर को बाहर की तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं, तो देखिए हमारी स्विंग है जो लेफ्ट साइड घूमेगी, देखिए ये घूमने लग गई, समझ गए आप लोग कितनी आसान तरीके में समझाया है मैंने। और देखिए जो ये हमारी मशीन है, ये है 140 टाटा हिटाची की, और देखिए चाबी से ही ऑन होती है, चाबी से ही मशीन बंद होती है, समझ गए। और यहाँ में ये दो पैडल है चैन चलाने के लिए, देखिए अब मैं इस पैडल को आगे करता हूँ तो देखिए आगे दबा दिए मैंने, तो हमारी चैन है देखिए आगे चलने लग गई, देखिए मशीन जा रही। अगर मैं इनको पीछे की साइड दबाता हूँ तो देखिए हमारी मशीन है जो पीछे जाने लग गई, देखिए ये देखिए दोस्तों, समझ गए आप कितने आसान तरीके में समझाया मैंने। और बाकी देखिए दोस्तों इसमें बाकी बहुत सी चीज़ें हैं समझाने के लिए, अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों के समझ में नहीं आएगा सारी चीज़ एकदम समझाने से। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए। फिर एक और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।